तो आज का जो हमने टॉपिक चूज किया हुआ है वो राहु केतु के ऊपर चूज किया हुआ है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, वी हैव अट 9 प्लैनेट्स, एंड आउट ऑफ दिस 9 प्लैनेट्स, इस 9 प्लैनेट्स में से जो 2 प्लैनेट हैं वो है, एक है राहु और दूसरा है केतु। इनके ये दिस 2 प्लैनेट्स का जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस हमारे सौर मंडल में नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट कि दे हैव गॉट अ फिजिकल एग्जिस्टेंस इन अवर सिस्टम, सोलार सिस्टम, सो दैट इज नॉट देयर। इनको छाया ग्रह के नाम से संज्ञा दी हुई है। ये इसको अगर उस तरीके से भी हम समझे तो दीज आर द 2 नोड्स ऑफ मून, वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, और इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको मैं थोड़ी, इस राहु केतु को थोड़ा सा मैं अलग समझाने की कोशिश करूं तो आप ये समझिए, विबजीआर हमने साइंस में सभी ने पढ़ा है कि वॉयलेट से लेकर रेड तक अलग अलग कलर्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के अलग अलग कलर्स होते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट राहु, इसका कोई कलर नहीं है, ना ही केतु का कोई कलर है। राहु को अगर मैं बात करूं तो ये अल्ट्रा वॉयलेट फ्रीक्वेंसी की रेंज पे ऑपरेट करता है। केतु को मैं बात करूं तो ये इंफ्रा रेड की फ्रीक्वेंसीज पे बात करता है। सो ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये ह्यूमन जो मनुष्य है इस फ्रीक्वेंसीज को नहीं समझ पाता या इस कलर्स को भी नहीं समझ पाता। सो इसीलिए ये जो दोनों प्लैनेट्स है, दे आर वेरी मिस्टरिकल इन नेचर। कौन से टाइम पे कौन सी सिचुएशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल राहु एकदम कोई भी चीज सडन करता है, केतु वो चीज बहुत सस्पेंस के साथ करता है, तो दैट इज वाई दिस प्लैनेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा मैं इसका एंगल आपको बताऊं राहु केतु का, कि जो हमारा जीवन है इस पृथ्वी पे, हम पैदा होते हैं और पैदा होने से ले तक से शुरू होने तक हमारी जो जर्नी, डेथ तक की जो जर्नी है, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से पास होते हैं। अब आप अपना थोड़ा सा अगर मैं बताऊं हमारा जन्म कैसे होता है और हमारी मृत्यु कैसे होती है, तो हमारे एक्चुअली देखा जाए तो मुझको मेरे जन्म के पहले का कुछ पता नहीं है। मैं कहाँ पे था, मेरी योनि कौन सी थी, मैं कौन से घर में था, मेरे माँ बाप कौन से थे, मेरे को कुछ पता नहीं है और किसी को भी नहीं पता रहता। और वही चीज होगी जब मैं इस दुनिया को विदा कर जाऊंगा, तो उसके बाद का भी मेरे को नहीं पता है। तो ये जो पीछे का कार्यक्रम था जहां पता नहीं था, वो भी अननोन है, वो राहु है, और उसी राहु के कारण, जो कि राहु डिजायर्स को शो करता है, तो उसी के कारण मैं इस पृथ्वी पे आया हूं। मेरा इस पृथ्वी पे आने का एक पर्पज है जो कि पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए मेरे को जन्म लेना पड़ा है। अदरवाइज मैं जन्म में मेरे में अगर मेरे में वो डिजायर खत्म हो चुकी होती या मैं सब कुछ चीजें जीरो पे हो चुकी होती तो मेरा इस पृथ्वी पे जन्म नहीं होता। और दूसरी चीज है, मरने के बाद का भी आपको कुछ पता नहीं कि आप कहाँ जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि जन्म के पहले का, मृत्यु के बाद का, ये दोनों जोन कंप्लीटली अननोन है। और हम इस पृथ्वी पे आए हुए हैं कुछ डिजायर्स लेके, जो कि फुलफिल करना है, जिसको मैं बोलूंगा कि शायद कोई ऋणानु बंध है हमारा, तो इस पृथ्वी पर है। और जहां तक मैं अब पर्टिकुलर राहु की बात करूं, तो राहु एक प्लैनेट है जो कि कंप्लीटली डिजायर को शो करता है। इसकी मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताना चाहूंगा कि ये राहु केतु हमारे सौर मंडल में आए कैसे। आप सभी को पता है कि हमारे पुराणों में एक कथा ऐसी है कि जिसमें कि सागर मंथन हुआ था, और सागर मंथन हुआ था दैत्यों और देवताओं के बीच में। उसमें जब सागर मंथन हुआ था तो बहुत से रत्न भी निकले थे, 14 टाइप के रत्न निकले थे। उसमें से जो आखिरी में निकला था वो अमृत का घड़ा निकला था। जब अमृत का घड़ा निकला था तो इसके लिए पीछे लड़ाई हुई थी देवता और देवतों में कि ये अमृत कौन हासिल करेगा। अच्छा, उस टाइम ये हुआ था कि जब ये लड़ाई चल रही थी तो देवता इतने थक गए थे कि वो जो अमृत का घड़ा था वो दैत्यों ने अपने पास हथिया लिया था, और वो आपस में लड़ने लगे थे कि ये इसका बंटवारा कैसे होगा। जब ये देखा कि देवता थक गए हैं, विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और वो वहां पे आए, खुद वहां पे आए। मोहिनी रूप को देखने के बाद जितने भी असुरगण थे, राक्षसगण थे, वो इतने प्रभावित हुए कि वो लड़ाई झगड़ा छोड़ के उनका जो पूरा डाइवर्ट था, अटेंशन जो था, वो विष्णु रूपी जो मोहिनी है उन पर चला गया, और मोहिनी ने उनसे वो घड़ा
राक्षसों से वो घड़ा अपने पास ले लिया और राक्षसों ने ये बोला कि देवी जिस तरह से आप अमृत का बंटवारा करना चाहो आप कर सकती हो। तो इस तरह से वो घड़ा मोहिनी पास, जो विष्णु रूपी मोहिनी है उनके पास आ गया। जब मोहिनी के पास वो विष्णु रूपी घड़ा, जो विष्णु के पास जो घड़ा उनके पास जब आ गया, तो उन्होंने देवताओं को एक लाइन में बिठाया, देवताओं को एक लाइन में बिठाया और अमृत का बांटने का काम शुरू किया। अब यहां से शुरू होता है, इन देवताओं में से एक राक्षस, एक दैत्य जिसका नाम स्वरभानु राक्षस था, वो समझ गया कि ये विष्णु जी हैं जिन्होंने मोहिनी रूप धारण किया हुआ है, और उनको पता था कि ये विष्णु जी की चाल है कि ये सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाएंगे। ये वो स्वरभानु नाम का राक्षस जान गया था, और ये जानने के बाद वो तुरंत दूसरा रूप धारण करके देवताओं की लाइन में आके बैठ गया था ताकि उसको भी अमृत ग्रहण करने का मौका मिले। जब अमृत ग्रहण बांटना शुरू किया विष्णु जी ने मोहिनी रूप ने, तो स्वरभानु राक्षस के पास को भी मिला, उसने भी वो ग्रहण किया। बट जब वो ग्रहण कर रहा था तो सूर्य और चंद्र की दृष्टि उन पे पड़ी और उन्होंने विष्णु जी को बताया कि ये राक्षस है, इन्होंने दूसरा रूप धारण किया हुआ है, आप इनको इनको मत दीजिए। बट उस टाइम तक वो चीज ग्रहण हो चुकी थी, और जैसे ही उनको पता चला, विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और स्वर भानु राम का जो गला था, जो बूढ़ी उनकी बॉडी थी, उनको दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया या उनको मार दिया। बट चूंकि वो अमृत अपना इफेक्ट दिखा चुका था तो वो मरा नहीं और सिर्फ कट गया दो पार्टों में। सो ये जो दो पार्ट हैं, जो ऊपर का पार्ट है उसको हम राहु बोलते हैं और जो नीचे का पार्ट है उसको हम केतु बोलते हैं। तो इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। बट आप एक चीज सोचिए, अब हम मैं राहु के बारे में फोकस करूंगा, केतु जी के बारे में आपको पंकज जी बताएंगे। तो अगर हम राहु की पर्टिकुलर बात करें तो देखिए कि ये राहु जो कि स्वर भानु राक्षस था, ये कितना शातिर होगा, कितना चालाक होगा, कितना इसकी प्लानिंग कितनी अच्छी रही होगी, इसकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी रही होगी कि इसने विष्णु जी वहां होते हुए भी दूसरा रूप धारण करके वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। तो आप ये सोचिए कि ये जो राहु ग्रह है ये बहुत बड़ा प्लानर है, ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट है। इसको राहु को राहु एक डिजायर है हमारी, जो हम पृथ्वी पे आए एक डिजायर के कारण आए, तो ये हमारी डिजायर है। ये राहु को हर चीज चाहिए ही चाहिए, अगर वो चाहे कि कोई चीज मेरे को चाहिए है तो वो उसको उसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। और राहु पाप ग्रह, देखिए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो राहु की है वो ही इज एन डेविल, असुर है। तो उसमें जो प्रवृत्तियां हैं वो भी असुरों की हैं। अच्छा, जब ये असुर हुआ, प्रवृत्ति हुई, तो क्या है कि बाकी ग्रहों की अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो सबकी अपनी एक बाउंड्रीज है, सबका एक वैल्यू सिस्टम है। राहु का ऐसा कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, राहु कोई बाउंड्रीज जानता ही नहीं है, राहु बाउंड्रीज को ब्रेक करने भी जानता है, राहु उसको नई नई चीजें चाहिए। इसलिए राहु फॉरेन लैंड का भी कारक है, इसलिए राहु ट्रैवल का भी कारक है, इसलिए राहु लीक से हटके कोई चीज लीक से हटके करने पे बिलीव करता है। उसको ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स या ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम से नफरत है, वो नहीं करता वो चीज, वो उसको चीज अलग हटके चाहिए। जहां भी वो बैठा है, जिस भी पोजीशन में बैठा है, उसको चीज अलग चाहिए, उसको बाउंड्रीज नहीं चाहिए। वो उसको छल छल अच्छे से जानता है, कपट करना अच्छे से जानता है। वो एक मायावी ग्रह है, अगर वो बोलता भी है तो उसके बोलने में भी एक माया है जिससे कि सामने वाला आदमी फंस सकता है। तो ये हुआ राहु। राहु ग्रह, एक राहु ग्रह इतना इगोइस्टिक ग्रह है, एरोगेंट उसमें भरा हुआ है, सेल्फिशनेस उसमें पूरी भरी हुई है। राहु कारक है मेंटल इलनेस का भी, राहु कारक है पॉइजनिंग का भी, राहु कारक है प्रोस्टिट्यूशन का भी, राहु कारक है लिकर का, टबैको का। ये सब राहु के अंतर्गत आता है, जितनी भी सिंफुल चीजें हैं जिससे कि आदमी आदमी भगवान से दूर हो जाए, ऐसी सब चीजें हैं जो आपको हरि से दूर कराएं, उसका नाम राहु। तो ये सब चीजें आपको हरि से, भगवान राम से दूर करा रही हैं,
तो ये राहु है, और राहु का जो इम्पैक्ट है मानवीय जीवन पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ही एक स्ट्रांग प्लैनेट है, इसके से कोई बच नहीं सकता। ये टॉपिक जो हमने लिया है, और हमारी कुंडली में हमको ये देखना है कि राहु कहाँ बैठा है, और उसके हिसाब से राहु को किस तरीके से डायरेक्शन देनी है। देखिए, राहु में अनबाउंडेड एनर्जी है, राहु में दिमाग है, सब कुछ है, बट इस राहु को अगर हम सही डायरेक्शन में लगा दें तो यही राहु हमको भगवान से मिला सकता है, यही राहु हमको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा सकता है, यही राहु हमको लाइफ में हर पीक पे ले जा सकता है। ओनली थिंग इज, हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो राहु है इससे हम बेस्ट रिजल्ट्स कैसे ले। राहु ग्रैंडफादर का भी कारक होता है, राहु की जो डायरेक्शन होती है दैट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन, राहु का जो जेम होता है उसको हम गोमेद कहते हैं। तो राहु के बारे में इतनी सब चीजें हैं, ये जितनी मेंटल इलनेस होती है ये भी राहु के अंदर आती है, रिसर्च जो होता है वो राहु के अंदर आता है। और राहु एक प्लैनेट है जो कि बहुत स्ट्रांग प्लैनेट है, और इसका जो वर्स्ट पार्ट है, देर इज नो बाउंड्रीज फॉर राहु, तो राहु किसी हद तक भी जा सकता है। तो ये सब चीजें राहु के अंदर आती है, ये एक पाप ग्रह है। और ये राहु, ये जो मैं स्वर्ण भानु राक्षस की बात कर रहा था, ये उसका ऊपर के पार्ट की हम बात कर रहे थे, जो कि राहु है, दिस इज फुल ऑफ डिजायर, उसको वो चीजें चाहिए, पैशन है, ऑब्सेशन है, हर चीज चाहिए। अच्छा, राहु का क्या है, नीचे का हिस्सा नहीं है, पेट नहीं है, तो मुंह है, मुंह से उस चीज को वो चीज ले रहा है, उसको डिजायर, उसकी जितनी भी डिजायर फुलफिल हो रही है, बट वो सेटिस्फाई कभी भी नहीं हो रहा है क्योंकि उसका पेट भर ही नहीं रहा है, क्योंकि नीचे का हिस्सा है ही नहीं। तो वो जो चीज उसको मिल भी रही है, एक चीज मिलने के बाद उसको दूसरी चीज चाहिए, दूसरे के बाद उसको तीसरी चीज चाहिए, और उसको ये लग रहा है, जो कि सबसे बड़ा इल्यूजन है, कि उसको वो चीज मटेरियलिस्टिक चीज मिलने के बाद उसको एक कंटेंटमेंट की फीलिंग आएगी, एक जीवन में आनंद आएगा, जीवन का लाइफ का पर्पस मिलेगा, बट ऐसा है नहीं, ऐसा होता ही नहीं। राहु, एक्चुअली राहु को मैं अलग से डिफाइन करूं तो राहु तो सडन ग्रह भी है, जो कि चीजें सडन करता है, जो कि हमको पता नहीं रहती। और राहु वो भी है कि जो दिख रहा है बट वो है नहीं, जैसे ये माया मेरे को दिख रही है, ये पूरा संसार दिख रहा है बट ये एक्चुअली में संसार है नहीं, ये बहुत बड़ी माया है, एक दिन खत्म हो जाने वाली है और ये है नहीं। और केतु जस्ट इसका उल्टा है, जो है नहीं बट जो दिख नहीं रहा बट है। सो ये डिफरेंस है राहु और केतु में। सो ये जो पूरी जो आज का भागम भाग चल रही है जीवन में, और हर चीज को चाहिए, और ये आज के सिनेरियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मैं 10 या 20 साल पहले का कंपैरिजन करूं तो लोग उतने स्वार्थी नहीं थे, या लोग मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे उतने ही नहीं थे जितने कि आज हैं। आज हाय हाय मची हुई है, ये चाहिए वो चाहिए, जबकि आज की लाइफ में 25 साल पहले से कंपेयर करूं तो आज हर घर में कार है, हर घर में बेसिक नेसेसिटीज की चीजें हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ सबकी अच्छी हो गई है, फिर भी वो कंटेंटमेंट नहीं है, वो एक सुख होता है वो नहीं है। आज आदमी भागा जा रहा है, उसको और चाहिए, और कहाँ जा रहा है ये नहीं पता, क्योंकि पता ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये राहु की माया का खेल है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, क्या होने वाला है पता नहीं, कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ जाएगा पता नहीं, सब चीज राहु। तो मेरा जो इस धरती पे जो भी चीज हो रही है, एक जो दौड़ चल रही है एक्विजिशन के लिए, ये सब राहु है, ये सब राहु है।